सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड आप सभी लोग का स्वागत है लेट्स प्ले डायनासोर सीरीज़ का पार्ट टू में। एंड गाइस, पिछले सीरीज़ में हमने कैम्प को कंप्लीट किया था और हमारे टीम में जो है गाइस दो डायनामेंट्स है, किक फ्लिक जो कि लेवल 3 का है, एंड एक है हमारे पास डक्सीडो जो कि लेवल 5 का है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे डायनामेंट है। एंड अभी हमारा जो रिवर फॉल्स है वो अनलॉक हो चुका है, तो लेट्स गो गाइस रिवर फॉल्स में हम चले जाते हैं। ओके, तो फिर से जुबानी हमको मिल चुके हैं, तो बोल रहा है कि ग्रेट यू मेड इट टू रिवर फॉल्स, फाइंड डॉम ही माइट नो मोर अबाउट द की। तो हमको शायद किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसका नेम शायद डॉम है। ओके, तो कैरेन, अच्छा सॉरी मैंने स्किप कर दिया फर्स्ट जो कि क्या कह रहा है उसने, जो भी हो। सम मैन केम टू द विलेज हु आर अप टू नो गुड, अच्छा प्लीज हेल्प अस ड्राइव देम अवे, मतलब कोई गुंडे हुंडे है क्या। ओके, कुछ भी तो नहीं है गाइस, का है भाई, कुछ भी नहीं है। ओके, जो भी हो, तो मेरे पास अभी किक फ्लिक है और डक्सिडो है। तो अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं डायनामेंट्स कैसे करना है क्या गाइस, तो पहले ना देखता हूँ कोई डायनामेंट मिलता है कि नहीं अच्छा खासा। अगर मिल जाता है तो हम पकड़ेंगे। तो फ्लोइंग को मिला है, आई थिंक ग्रास टाइप नहीं पकड़ेंगे, कोई हमें अच्छा सा आगे लाइक फायर टाइप का मिले तो उसको पकड़ेंगे। ओके, स्नॉर्की है, अच्छा स्नॉर्की वो फर्स्ट में मिला था ना हमको। रुको रुको, इसको पकड़ना है गैस, अरे मिस कर दिया यार। क्या स्नॉर्की एक स्टार्टर टेनमेंट था ना गैस, हमको फर्स्ट में मिल रहा था, मेरे को याद है। तो इसको हम पकड़ेंगे गैस, ठीक है भाई, रेयर है शायद, तो जो भी हो उसको हम पकड़ लेंगे। किक फ्लिक डैमेज हो गया भाई, भाई मेरे पास ये है डक्सिडो। ओ भाई, अरे यार मेरे को उसको पकड़ना था। ओके गाइस, जो भी हो, तो हम इसको इवॉल्व कर देंगे, मतलब लेवल अप करेंगे। मेरे को ना स्नॉर्की को पकड़ना था यार, मतलब स्टार्टर था तो 3 स्टार्टर टेनमेंट हम यूज़ करने वाले थे यार, क्या हो गया। ओके ओके, सो गाइस हम फिर से ट्राई करते हैं कि मिल जाए। एंड ओके, फिर से मिला गाइस, लक देख रहे हो गाइस, दो दो बार हमको स्नॉर्की मिल गया। तो हम बार इसको एक शॉट करने की कोशिश करेंगे, सोनिक शॉक। ओके, इसने भी हमको सोनिक शॉक किया। ओके, तो मैं ना रिक्स नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट पोके नहीं, क्या कहते हैं डिस्कैच शायद इसको कहते हैं, तो मैं डिस्कैच यूज़ कर रहा हूँ। और हो गया गाइस, लेट्स गो गाइस। तो हमने स्नॉर्की को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये शायद और एक स्टार्टर डायनेमन था। ओके, तो मैं इसको एवल्व करूँगा गाइस, काफ़ी अच्छा डायनेमन ये है। ओके, तो अब हमको सिर्फ एक फायर टाइप का चाहिए, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लाइक वाटर है ग्रास भी, लेकिन फायर नहीं है। अरे यार क्या, स्टार्टर पैक नहीं चाहिए यार, हटाओ यार इनको, एक फायर टाइप दे दो। नहीं यार, फिर से ग्रास टाइप पक्का नहीं है मेरे को, इनको मेरे को एक फायर टाइप दे दो यार, फायर टाइप कोई भी फायर टाइप। भाई फिर से स्नॉर्किंग भैया, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है यार। एक ओके गाइस, देखो फायर टाइप बोल रहा था मिल गया, तो हम इसको स्नॉर्किंग से फाइट कराएंगे। ओके, देखते कितना डैमेज करता है ये। ओके लेट्स गो भाई, ये क्या है, अच्छा डायनामो ने क्रिटिकल शॉट किया। ओके, बहुत अच्छा हेल्थ हो चुका है इसका। ओके स्नॉर्के तुम गए, स्नॉर्के गया मेरा, लेकिन हम इसको कैच कर लेंगे, हमारे पास और भी दो डायनामो है। ओके, और पकड़ लिया, लेट्स गो गैस। तो हमने फ्लेम फ्लेम बोर था शायद उसका नेम, तो फ्लेम बोर को भी हमने पकड़ लिया। और ओके, अच्छे खासे शर्ट्स मिल रहे हैं हमको। अरे यार हटाओ यार फिनिक्स हीरो, क्या है भैया हटाओ। ओके, तो मैं स्नॉर्की के जगह पर इस फ्लेम बोर्ड की यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो वाटर टाइप के डायमंड ऑलरेडी मेरे टीम में है। तो इससे फाइट करते हैं, सबसे पहले बॉस बैटल होने वाला है। आई हैव यू ट्रेन इनफ शो मी। ओके, दो डायनामेंट्स इसके पास, अरे भाई 6 लेवल का है। ओके तो हाँ, तो देखते हैं वॉल्केनो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। वॉल्केनो काफ़ी अच्छा डैमेज दिया गाइज। ओके गाइज, और एक शॉट ये ख़त्म, और एक शॉट ये ख़त्म, लेट्स गो, काफ़ी अच्छा है। ओके, ये शायद ग्रास टाइप है, तो मेरे पास ग्रास टाइप होगा। किक फ्लिक भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज, मेरे को लगा कि कम लेवल का होगा। भाई किक फ्लिक गया मेरा भाई, और एक शॉट किक फ्लिक ख़त्म। ओके, अरे मिस कर रहा है अटैक, ये क्या कर रहे हो यार, मिस मत करो, मिस क्यों कर रहे हो। ओके
देखते हैं अब मैं जीत जाऊंगा शायद, शायद मैं हो गया। ओके भाई मिस मत करना, बस मिस मत करना, मिस मत करना। ओड़िया हो गया, हो गया गाइस। तुमने ब्रैडली को हरा दिया है, ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग तो नहीं किया था लेकिन तब भी इसको हरा दिया है। ओके तो फ्लेम वॉर को मैं इवॉल्व हो रहा है तो मैं इसको लेवल अप करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी टीम में अकेला ही फायर टाइप का डायनामैन है। स्किल अनलॉक हुआ है जो कि इनरेज, ठीक है। तो इनरेज को मैंने अभी यूज़ नहीं किया तो देखते आगे जाकर इसको क्या यूज़ है, शायद ये अटैक इंक्रीज करता है। ओके भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिला है, किक फ्लिक का भी अच्छा मिला है। तो ओके डन। तो अच्छा हील करना पड़ेगा मेरे को इसको, 30 शर्ट्स लेंगे तो मैं हील को, हील को क्या कहते हैं, हील कर देता हूँ, ठीक है गाइस हील कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्लेम बोर भी हमारे पास, तो एक काम करता हूँ मैं फ्लेम बोर से ना एक मैच खेल लेता हूँ और किक फ्लिक से भी, तो ये दोनों ही 5 लेवल का हो जाएंगे और देखते कोई अलग डायनामिक मिलता है कि नहीं। शायद अभी लेवल अप हो जाएंगे तो मैं एक काम करूँगा इस नेक्स्ट जो एपिसोड्स है उनसे मैं जो डायनामाइट है उनको लेवल अप करूँगा, मैं उनको ऑफलाइन कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा एडिटिंग के टाइम, आप टेंशन मत लो। ओके तो मैं दोनों को इवॉल्व कर लेता हूँ, मतलब लेवल अप। चलो नया स्किल अनलॉक हुआ है इसका जो कि शॉक वेव। ओके ओके तो हमारे शायद की फ्लिक को 3 स्किल आते हैं, ठीक है। ओके ओके शर्ट्स मिले काफ़ी अच्छे। तो अब इसको चैलेंज करेंगे गैस हम, तो ये शायद वही गार्ड है, तो इसका एक डायनामैन है तो हराना इजी होगा। तो क्लॉट फिर से आया गैस, कि वो कह रहा है कि आई एज्यूम यू केम हेयर टू फाइंड डॉम, आई डी टू आई बिलीव ही हैज़ व्हाट आई सीक। अच्छा तो शायद डॉम वो भी ढूंढने आए, तो अनफॉर्चुनेटली ओके तो मैं लेट नहीं होऊंगा भाई, तुम आ जाओ, गार्ड टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, आ जाओ भाई देखते। ओके भाई 9 लेवल का यार, मैं हल्के में ले रहा था, 9 लेवल का है तो फ्रोज। ओ भाई भाई साहब ये क्या देखा भाई, डक्सिडो 1 हिट कर रहा है इसको भाई, डक्सिडो सीरियसली 1 हिट कर रहा है इसको, लॉल भाई साहब। ओके तो इसको भी काफ़ी अच्छा डायनामन था बट हमने इसको हरा दिया है, वेरी इजी था, तो उसको हम लेवल अप करेंगे ऑब्वियसली। ओके भाई डक्सिडो काफ़ी अच्छा डायनामन है गाइस, 1 शॉट किया उसने ऑलमोस्ट। ओके काफ़ी अच्छे एक्सपी मिल रहे हैं हमको, और डक्सिडो शायद लेवल 7 का होगा अभी। बूम स्किल अनलॉक हुए है जो कि सोनिक बूम और फ्रोजन मिस्ट। फिर फ्रोजन मिस्ट काफ़ी अच्छा अटैक है गाइस, मतलब फायर टाइप पर काफ़ी अच्छा एडवांटेज दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा अटैक है ये, काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिला है इसको। ओके अरे यार हटाओ यार इनको, तो मिशंस शायद अनलॉक हुए हमारे डेली मिशंस। ओके तो मैं जैसे ना फ्री के शर्ट्स से इनको क्लेम कर लूँगा, एंड तो काफ़ी अच्छा से ज़्यादा ही अच्छा हो गया, शर्ट्स मिल के हमको काफ़ी अच्छे, तो हील करने में हमको भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो चक है इधर, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो बॉस बैठ ले तो हम इसको हराएंगे ऑब्वियसली, ठीक है भाई 8 लेवल का है बट हमारे पास 6 लेवल से हम खेल लेंगे इसको। भाई क्रिटिकल शॉट भाई, ऑलमोस्ट 1 हिट। ओके स्क्रैच खत्म गाइस, काफ़ी अच्छा खेला, और हमारे पास टक्सीडो है। ओके तो शॉक, अरे यार मिस करता है ना भाई, गुस्सा आता है मिस करने पर, अरे यार मिस करता है भाई। ओके तो उसको शायद 2 रिचार्ज कर रहा है शायद शॉक को, मतलब हेवी अटैक है, और गया भाई की फ्लिक यार। तो ओके डक्सिडो है मेरे पास, भाई बेकार लगता है ना डक्सिडो, मतलब क्या कहते हैं किक फ्लिक मिस करता है काफ़ी ज़्यादा। ओके भाई शोनिक शॉक। ओके चलो गैस हमने इसको हरा दिया चक को भी। ओके मतलब ठीक ठाक ही था बैटल, इसको हम लेवल अप करेंगे। ओके ओके देखते हैं स्किल अनलॉक है इसका, और एक नया ओके फायर वर्क्स अनलॉक हुआ है जो कि फायर टाइप का अटैक है, तो देखते ठीक है। ओके गाइस तो मेरा डेस्कटॉप भी लेवल अप करेगा, इसको मैं लेवल अप कर देता हूँ फटाफट से। याप चलो गाइस इसको मैंने लेवल अप कर दिया है,
ओके भाई, मेरे को ना इसके लिए बुरा लगता है किक फ्लिक के लिए भाई, मतलब क्या ही हो सकता है, अब क्या ही करे। ओके इवॉल्व कर सकता है लेवल 18 पर इसको, डक्सिडो को भी लेवल 18 पर इवॉल्व होगा और फ्लेम वॉर को लेवल 20 पर। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट बैटल पर आ जाते हैं हम। यू हैव रीच्ड फार एनाफ, तो तीन पोकेमोन है इसके पास, सॉरी डायनामैन। ओके तो हाइड्रॉन है इसके पास, देखते कितना स्ट्रांग है। और लीप स्ट्राइक हमने किया गाइस, काफ़ी अच्छा डैमेज दिया इस बार भाई, मिस मत करना बस। शॉक वेव और ख़त्म गाइस, शॉक वेव अच्छा अटैक है गाइस। और स्पार्क रैट है, ठीक है तो मैं अपना जो टक्सिड है उसको यूज़ करूँगा। फ्रोजन मिस्ट और ऑलमोस्ट ख़त्म करता है इसने गार्ड को, मतलब स्पार्क रैट को, स्पार्क कैट जो भी है। अरे मिस कर रहा है यार, गुस्सा आता है यार, मिस मत करो भाई साहब, मिस मत करना यार। ओके स्पार्क कैट भी ख़त्म, और फिर से ओके डार्क टाइप है तो वाटर। अरे मैं नहीं खेलने वाला गाइस, मैं नहीं खेलने वाला, मैं नहीं खेलने वाला, मिस करते हैं यार, गंदा लगता है भाई। फ्लेम बोर्ड शायद हार जाएगा यार। ओके नहीं 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 गैस, काफ़ी अच्छा फ्लेम बोर्ड ने भाई बचा लिया इस बार। वॉलकैनो काफ़ी अच्छा अटैक है इसने किया, स्क्रैच स्क्रैच करो यार, स्क्रैच ख़त्म गैस ख़त्म। ओके तो हमने इस वाले गार्ड को भी हरा दिया है, और किक फ्लिक को भी हम लेवल अप करेंगे ऑब्वियसली। तो ओके नया स्किल इसने नहीं सीखा, लेकिन ठीक है, लेवल 6 का हो और ये लेवल 7 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये वॉल्व शायद सिर्फ किक फ्लिक ही हुआ। और ये क्या मिर्ची मिला हमको, मिर्ची खाता है पूरा डायनामैन। ओके वाओ यू डिड इट, थैंक यू सो मच, बट नाउ द विलेज लॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आंटी जी फिर से आ गई, ठीक है। इट कुड बी इशू इन द सोलर पावर प्लांट। ओके सोलर पावर प्लांट में जाना पड़ेगा साथ हमको। ग्रेट विजिट द पावर प्लांट व्हेन यू गेट अ चांस। कहाँ है भाई सोलर पावर प्लांट, वो अच्छा वर्ल्ड है शायद, एक एरिया है और एक। ओके तो क्या सोलर प्लांट हमारा अनलॉक हो चुका है, और बहुत सारे इधर डायनामिक्स हैं जिनको हम पकड़ेंगे। बट गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं आज के इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम सोलर प्लांट को अनलॉक करेंगे एंड देखेंगे गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इतना तो देखने के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते रहिए, गुड बाय।